ये असल में एक हॉस्पिटल की बिल्डिंग है जो पिछले 6 साल से अंडर कंस्ट्रक्शन है, और जैसा कि आपको पता है बांडीपोरा का रिवाज ही है, खासकर जो हेल्थ सेक्टर है यहाँ पे जितने भी काम होते हैं वो हमेशा अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहते हैं, उनमें कोई प्रोग्रेस हमें नज़र नहीं आती। इस बिल्डिंग की हम डिटेल आपको बताएंगे। ये बिल्डिंग जो है ये गाइनी एंड मेटर्निटी हॉस्पिटल है, 50 बेड्स का जो ये हॉस्पिटल है, इसका तकरीबन खर्चा जो एस्टिमेट बनाया गया था वो 18 करोड़ रुपए का था, जिसमें से बहुत सारा पैसा दिया गया है, करीबन 13 करोड़ रुपए, 10 करोड़ से ऊपर पैसे दिए गए हैं, और बकाया क्यों नहीं दे रहे हैं, और जो काम करने वाली एजेंसी है R&B वो काम आगे क्यों नहीं बढ़ा रही है ये उनको पता होगा, और जो NHPC है जो उनकी स्कीम्स रहती हैं जिनके अंडर उनको हॉस्पिटल्स या स्टेडियम्स या बाकी चीज़ें कंस्ट्रक्ट करनी पड़ती हैं, तो उसी इनिशिएटिव के अंडर उनको ये हॉस्पिटल जो है मेटर्निटी हॉस्पिटल ये बनाना था, लेकिन उन्होंने भी अब अपने आप को पीछे हटा लिया है, वो भी इसमें ज़्यादा दखल नहीं देते। और हमारे जो DC साहब थे यहाँ पे शाहिद इकबाल चौधरी साहब, उन्होंने पिछली बार वादा किया था लोगों से कि मार्च में इसकी डेडलाइन है और मार्च में ये कम्प्लीट होगा, और अभी आपको पता है मार्च भी चला गया और डेडलाइन भी चली गई, और जो इस हॉस्पिटल की हालत है इस हालत से हमें नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल तो अगले मार्च तक ये कंप्लीट नहीं होगा। अगला मार्च छोड़ दीजिए आप, जो उसके बाद वाला मार्च भी होगा उसमें भी ये कंप्लीट नहीं होगा। तो इस ज़मन में हमने बहुत सारे लोकल्स जो हैं उनसे बात की कि जो मैटरनिटी से रिलेटेड या गायनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं के लोग कैसे फेस करते हैं, और कैसे वो बांडीपोरा से श्रीनगर जो पेशेंट्स हैं उनको ले जाते हैं। बांडीपोरा रोड तो आपको पता ही है उसका हाल क्या है। सुंदर हुए चाहिए हस्पताल बन, इस 5-6 वरी गए आज तैयार छुन गुमत कह, अगर बने तो सो जाते ये आज पे दूर पे ये पे दौद फटरा अमे मूजूब से वो अगर तैयार गए तो फायदा ही यह जमुत ये हद आए मुश्किल तो वो बहुत कर अगर बिलाल अहमद तंत्रे आजर बांडीपोरा जनाब अत्या मुश्किल LD शाक सन्द्रवानी मतलब पत्मो 7 वरी पे गो जनाब तथ इंतजार करा मतलब कि यह गए ठीक तो यून मुश्किल रोजन सान माजन बेन कह तो वनुक तान गो न ठीक कहें तन तो ये नुसू अडे में बनाया था पहले हॉस्टल, वो भी ऐसे ही पूरा पड़ा है, यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है, बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। सर आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये फैसिलिटी होना ही चाहिए, यहाँ पे बहुत कुछ है नहीं, जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो है नहीं, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल है ये, इससे पहले तहसील जब था उन दिनों में कुछ हो रहा था, आज डिस्ट्रिक्ट हो के इनमें इसमें कुछ नहीं हो रहा है। सर ये इसी हॉस्पिटल का दूसरा साइड है जो हम आपको दिखा रहे हैं, और इसके राइट साइड में जो है ये नाले मधुमती बह रहा है, और आपको जैसे पता है कि जो हॉस्पिटल्स हैं उनका जो वेस्ट निकलता है, चाहे वो मेडिसिनल वेस्ट हो चाहे वो लोगों के जो मतलब लोग फेंकते हैं पॉलीथीन्स वगैरह, तो वो कहाँ डंप किए जाते हैं। हमारे हॉस्पिटल्स की आपको कंडीशन पता है कि जो भी वाटर बॉडीज़ उनके नज़दीक होती हैं पूरा जो वेस्ट मटेरियल है उसी में डंप किया जाता है। अभी तो इसका पानी बहुत साफ आपको नज़र आएगा, और जब आगे आप देखेंगे अगर कभी यह हॉस्पिटल फंक्शनल हुआ तो ये नाला जो है नाले मधुमती ये पूरा जो है मेडिसिनल वेस्ट और जो लोगों का कूड़ा कचरा है उससे भरा नज़र आएगा आपको, और सीधा ये वुलर में जाके बहता है। तो ये तो समझ से बाहर है, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे जानकारों ने ये कहा कि हॉस्पिटल को मधुमती के किनारे पे बनाना ये बिल्कुल अकलमंदी की बात नहीं, ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इस नाले में कभी सैलाब उतना ना आए कि वो इस हॉस्पिटल को अपने साथ बाहर ले जाए। और जो हमारे जो पैसे थे जो NHPC ने दिए थे बांडीपोरा की डेवलपमेंट के लिए 18 करोड़ रुपए, वो भी इसी पानी में ना बह जाएं। मैं गौहर खान कैमरामैन मोहसिन हसन के साथ बांडीपोरा मेटर्निटी हॉस्पिटल से। Bureaucracy, civil services, indeed, coaching, mentoring, and personality development. Our faculty is a facility for you. Our management, our faculty, and our infrastructure are state of the art in their own right.
They provide coaching for IAS, KAS, general studies and optionals, CSAT and banking, NET, JKSSRB and SSC. We are also an English Learning Academy. Best of luck.